ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती उपस्थित हुए और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गयी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती उपस्थित हुए और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान काफी मात्रा में बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष द्वारा उनके जीवन और उनके साथ बिताए हुए पल को याद किया। सत्ती ने कहा कि वाजपेयी की मेहनत के कारण आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर हिमाचल सरकार ने उनकी स्मृति में शिमला के माल रोड पर उनका स्टैच्यू लगाने की घोषणा की है, जबकि ऊना में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने वाजपेयी के दूसरे निवास स्थान कुल्लू के प्रीणी गाँव में भी उनकी एक प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। सत्ती ने कुल्लू में वाजपेयी द्वारा घर बनाए जाने का जिक्र करते हुए उनके द्वारा प्रदेश के लिए विशेष लगाव की बात कही। उन्होंने अटल जी के प्रकृति कविता प्रेम की भी चर्चा करते हुए उनके पत्रकारिता के समय को भी याद किया। सती ने उनकी कविताओं को आज भी साहित्य जगत में कवियों द्वारा गाए जाने की बात कही। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि को मना रही है। अटल जी को याद करते हुए हम सब लोगों को जो ध्यान में आता है कि अटल जी ने कितनी मेहनत और लगन के साथ पूरे देश के अंदर घूम करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वो अटल जी और उसके बाद आज तक जितने भी लीडर्स हैं सबके अथक प्रयासों का परिणाम है। तो अटल जी की इस आज पूरे हुए उनको स्वर्गवास हुए एक वर्ष हुआ है, आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अटल जी फिर से इस देश के अंदर इस भारत भूमि में जन्म लें, इस भारत माता की सेवा करें और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा परमपिता परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अटल जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बोलते थे। उनका घर भी कुल्लू के एक गांव में है, प्रीणी में। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी कुल्लू मनाली में गए हैं और मनाली में उनका एक स्टैच्यू लगाया जा रहा है उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए। और इसी तरह से शिमला माल रोड के ऊपर भी एक स्थान चिन्हित किया गया है कि अटल जी का वहां पर स्टैच्यू लगाया जाए ताकि आते जाते लोग उनके दर्शन कर सकें और उनकी यादों को ताज़ा कर सकें और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। अटल जी प्रकृति प्रेमी थे और कविता प्रेमी थे। वो बोलते थे कि अगर मैं लीडर नहीं होता तो मैं कवि होता या मैं पत्रकार होता, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता भी लंबे समय तक की राजनीति में आने से पहले। वो हमेशा कविताएं गाया करते थे और कविताएं भी राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम की कविताएं उनकी आज भी अनेकों कवियों के द्वारा गाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश एक प्रकृति का घर है, इसलिए वो हिमाचल में बार बार आते थे और हिमाचल में बसे हैं और हिमाचल को उन्होंने अपना दूसरा घर इसलिए कहा है। और जब हम लोग उनसे मिलते थे तो बोलते थे मेरे प्रदेश के लोग आ गए हैं, तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो हमारे बाहर से हैं। हमारे अपने प्रधानमंत्री हिमाचल के ही लगते थे और हिमाचल से वो अथक प्रयासों से हिमाचल को आगे बढ़ाया और बहुत प्यार करते थे वो हिमाचल प्रदेश से।